हेलो हाय, कैसे हैं खमागनी साहब? फिर से हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप हमेशा की तरह सब कुशल मंगल होंगे। और जैसे कि अभी आप कुछ दिन पहले आपको मैं हमेशा ही लहरिया दिखा रहा था, हर तरह के लहरी दिखा रहा था, हर तरह के कलर भी दिखा रहा था, सबने अपने अपने रिक्वायर के अकॉर्डिंग सबने बनवाए भी हैं। और फिर आज हम आपको दिखाएंगे एक ब्यूटीफुल पोशाक जिसका कलर बहुत ही डिफरेंट है। एक बार पहले आप उसको ओवरऑल वीडियो में देख लीजिए, जिस पोशाक की अपन बात करेंगे वो वाली पोशाक ये है। एक बार पहले आप इसको ओवरऑल वीडियो में देख लीजिए, फिर बात करते हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की। कलर कॉम्बिनेशन का ऐसा है कि बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने ओवरऑल वीडियो में पोशाक तो देख ली है, पहले आपको बता देते हैं इसका कलर। जो भी कोई पोशाक बनवाते हैं तो सबसे डिपेंड होता है पोशाक का कलर आपने कैसा लिया है। कलर अगर आपने बढ़िया लिया, बिल्कुल डिफरेंट लिया है, कलर कुछ अच्छा सा लिया है, तो आपका गेटअप कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। मगर सबसे डिपेंड होता है पोशाक पहनने से पहले कलर अच्छा होना चाहिए पोशाक के लिए, तो उसी तरह का कलर है। अब ये वाला जो कलर है ना, तो अपन इसको पीच कह सकते हैं ना गाजरी कह सकते हैं, मगर हाँ ये गाजरी के टोन में ही है, जो पीचिस गाजरी कलर कह सकते हैं। ये वाला जो पीचिस गाजरी कलर में पूरी पोशाक है, कुर्ती और लहंगा जो ये वाला पीचिस गाजरी कलर के अंदर है, जो कि प्रॉपर गाजरी भी नहीं है, मतलब डिफरेंट सा सेट है, बिल्कुल डिफरेंट। आप सेट कार्ड से मैचिंग करेंगे तो उसमें भी ये कलर नहीं मिल पाएगा, इस तरह का कलर है। और इसको ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देने के लिए, जैसे लहंगे में आपको मैंने बताया लहंगा और कुर्ती में सेम कलर है, और ओढ़ने में इसमें वही सेम कलर है, मगर डिफरेंट देने के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर का टच दिया हुआ है, ताकि आपको यहाँ पे डिफरेंट जब भी आप पहनेंगे इस तरह की पोशाक तो यहाँ पे डिफरेंट कलर नजर आएगा। अब आप इसको फैब्रिक बता देता हूँ। फैब्रिक जो लहंगा और कुर्ती का जो फैब्रिक है इसका, ये लहंगे का कुर्ते का फैब्रिक है विस्कोस साटन, जो कि अच्छा फैब्रिक है, और जब स्टिचिंग होगा तो इसमें प्रॉपर लाइनिंग वगैरह कॉटन का अस्तर तो लगेगा। अब बात करते हैं इसके वर्क की, तो वर्क इसमें दिया हुआ है, ऐसा वर्क दिया हुआ है इसमें, पहली बात तो आपको बता दूं इसमें चिपका हुआ कोई वर्क नहीं किया हुआ है, जितने भी सारा वर्क किया हुआ सब में टांकल लगे हुए हैं, हैंड वर्क है, ये साइड से देखेंगे चिपका हुआ वर्क, इसमें कोई भी कुछ भी चिपका हुआ वर्क नहीं है। सो जितना भी सारा वर्क है इसमें टोटल हैंड वर्क है। ये इसमें इस तरह से गोटा पत्ती का वर्क किया हुआ है, और फिर साथ में डोरी, और ब्यूटीफुल देने के लिए उसको हाईलाइट करने के लिए इसमें ग्रीन कलर का ये रेशम दिया है, रेशम के साथ में डोरी को सिला हुआ है। इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन है गोटा पत्ती का, और ये इसका कुर्ती, और कुर्ती का आपको नेक वगैरह दिखा देता हूँ। नेक में भी बहुत खूबसूरती से इसमें वर्क किया हुआ है, ये इस तरह से इसका गला बनेगा यहाँ पे, जब स्टिचिंग होगी तो पूरा फैब्रिक यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये इस तरह से इसका गला रहेगा। ये कुर्ती के सामने आएगा वर्क, और इतना ही बैक में आएगा, और बाजू पे भी यही वर्क और ये फूल आएंगे। ये सामने रहेगा, बैक में भी इतना ही वर्क रहेगा, और बाजू पे भी आपको ये बॉर्डर और ये फूल आएंगे। और लहंगे में आपको दिखा दें वर्क, लहंगे में भी नीचे जो ओढ़ने में आपको बॉर्डर दिख रहा है वही लहंगे में नीचे बॉर्डर दिया हुआ है, इस तरह से ये लहंगे में बॉर्डर है। और फिर लहंगे में ये बिल्कुल ये जहाँ कलियाँ हैं, कलियों में बिल्कुल गोटा पत्ती से सिला हुआ है, इस तरह से पूरा ये सिला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। और फिर लहंगे में ये इस साइज के फूल दिए, दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा पास है, इसमें कुछ भी चिपका हुआ नहीं, बहुत ही ठोस वर्क किया हुआ है। और ये गोटा पत्ती वर्क तो ऐसा है कि राजस्थान का सबसे ट्रेडिशनल वर्क रहता है, इस वर्क की कभी कभी फैशन भी नहीं जाती, और हमेशा इस हर 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 कभी भी पहन सकते हैं, हमेशा चलन में रहता है ये वाला वर्क, और सभी सब जगह से रिक्वायरमेंट होती है, इंडिया के चाहे कोई भी कोने से रहो सभी की रिक्वायरमेंट रहती है गोटा पत्ती पोशाक की। इसी तरह की ये पोशाक है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है और वर्क भी इसका बहुत सुंदर है। सबसे ज़्यादा पोशाक का इसकी खासियत है, तो सबसे ज़्यादा पहले मैं कहूँगा इसका कलर है, दूसरा इसके बाद में अगर कहेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका वर्क है, जो कि इसमें कुछ भी चिपका हुआ नहीं, बहुत ही ठोस वर्क किया हुआ है, ना कि जैसे भी आप पहने इसमें कुछ भी निकलने वाला नहीं। और सबसे ज़्यादा इसका मेरे को ज़्यादा मेरी च्वाइस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इसका बहुत ही सुंदर कलर है, जो आप देखेंगे पूरी सिंगल कलर की ओढ़नी है, और फिर बैक साइड में देखेंगे तो टू शेड में इसका ओढ़ना, जो ग्रीन कलर को अपन ने बीच में दिया है यहाँ पे इस तरह से टू शेड में ओढ़ना, और नीचे फिर दिया है वही गाजरी पीचेस गाजरी कलर, इस तरह से इसका ओढ़ने का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है।
तो मैं आशा करता हूँ ये वाली पोशाक भी आपको पसंद आई होगी। जिन भी भाई साहब जो भी आप देख रहे हैं वीडियो बनाया जो भी आप देख रहे हैं पोशाक पसंद करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे और स्क्रीन के ऊपर भी आपको चलते हुए कॉन्टैक्ट नंबर आप मिल जाएंगे। आप हमें प्राइस और परचेजिंग के लिए वहां से संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट आइडिया बता दूं आपको, जैसे कुछ पूछना रहता है तो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और जो भी आपको वहां पे नंबर मिलता है कॉन्टैक्ट नंबर मिलते हैं आप वहां पे स्क्रीन शॉट लेकर उसका पिक सेंड करिए। आप प्राइस और फेब्रिक के बारे में सो भी जो भी आप परचेजिंग जो भी आप कुछ कस्टमाइजेशन जो भी कलर चेंज करना या परचेजिंग करना हो वहां से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। खमा गणिसा, धन्यवाद।